आलू टिक्की बर्गर। 3 उबले आलू हमने लिए हैं, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। 1/3 कटोरी हमने पोहा लिया था, उसको भिगो दिया था 20 मिनट के लिए, उसका पानी भी हमने साथ में ही निकाल दिया था। और हरा धनिया लिया है थोड़ा सा हमने। अभी हम डाल देते हैं हरा धनिया, पोहा भी साथ में ही डाल देंगे। और साथ में ही डालेंगे हम मसाले। 1/2 चम्मच हमने नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हम हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे। इनको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से हमने इसको मसल लिया है, अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। मसाले को हम ले लेंगे ऐसे और इसको गोल गोल करते जाएंगे हम। और हमें टिक्की उतनी बनानी है जितना हमारा बर्गर बन है। गोल गोल हम इसको कर लेते हैं। इसको अपने हाथ पे ऐसे हम घुमा लेंगे। टिक्की हमारी तैयार हो गई है। सारी टिक्की हम ऐसे ही बना लेंगे। 4 चम्मच मैदा हमने ले लिया है, 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर मिला देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदे से भी ये घोल बना सकते हैं। 1 कप हमने पानी लिया है, थोड़ा पानी हम डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे इसको। हमारा तैयार हो गया है, देखिए इस तरह का हमें चाहिए। अभी हम एक टिक्की लेंगे, इस गोल में डुबो देंगे अच्छे से। कोट करना है हमें अच्छे से टिक्की को। और ये ब्रेड क्रम्स हमने लिया है, इसमें हम इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। सभी टिक्कियों को हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले हम गोल में डुबाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे उसको अच्छे से। कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया था, अभी हम टिक्की को डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। रख लेते हैं इसको। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आपको चाहिए 3 या 4 ब्रेड ले लीजिए, उसको मिक्सी में चला लीजिए और फिर जो उसका चूरा बन जाएगा उसको आप 5 से 6 मिनट रोस्ट कर लीजिएगा स्लो फ्लेम पे, तो आपका ब्रेड क्रम बन जाएगा। टिक्की हमारी फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। सारी टिक्की हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अभी हम बर्गर सॉस बनाएंगे। 3 चम्मच हमने एगलेस मेयोनीज ले लिया है, 3 चम्मच हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। इसको अच्छे से मिला देते हैं। हमारी बन गई है, ये रेड सॉस तैयार हो गई है। ग्रीन सॉस हरे धनिया की चटनी से हमने बनाई है। मेयोनीज लीजिए और उतना ही हमें हरे धनिया की चटनी लेनी है, मिक्स कर दीजिए, आपकी ये ग्रीन वाली सॉस तैयार हो जाएगी। तवा गरम कर लिया है, थोड़ा सा हम बटर डाल देते हैं इसको और बर्गर को हम इसको सेक लेंगे। थोड़ा सा हमने बीच से काट दिया था, लगा लेते हैं और इसको थोड़ा हल्का सा सेक लेते हैं।
इस तरह अगर हम सेक लेंगे तो जल्दी से सॉफ्ट नहीं होगी, अच्छी हमारी काफ़ी टाइम तक रहेगी। नीचे का पार्ट हमने रख लिया है, इस पे हम लगा देंगे हरी चटनी। टिक्की को रख देते हैं, ऊपर हम लगा देंगे प्याज, टमाटर आप अपनी पसंद से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। अभी हम रेड वाली सॉस डाल देंगे ऊपर से, अच्छे से डाल देते हैं और अब हम इसको ऐसे लगा देंगे। बर्गर हमारा तैयार हो गया है, हमारा बन गया है।